नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, स्ट्रक्चरल ऑडिट। स्ट्रक्चरल ऑडिट बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चरल ऑडिट है वो क्यों करते हैं, उसका पर्पस क्या है और कौन सी बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट करते हैं और वो करने से क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके ऊपर हम डिटेल बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको। स्ट्रक्चरल ऑडिट आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑडिट का डेफिनेशन क्या है, स्ट्रक्चरल ऑडिट का मतलब क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसके नीड क्या है, क्या ज़रूरत है, उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑडिट कब करते हैं और उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑडिट का पर्पस क्या है। स्ट्रक्चरल ऑडिट को किसी भी मौजूदा सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर या भवन के संकट स्तर या स्थिति को समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। स्ट्रक्चरल ऑडिट बिल्डिंग की संरचना की स्थिति, उसकी अखंडता और उसकी स्टेबिलिटी दर्शाता है। यह इमारत की समग्र सुरक्षा को निर्धारित करने और किसी भी ऐसे क्षेत्र की पहचान करने के लिए आयोजित किया जाता है जहां इसकी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वो बिल्डिंग का रखरखाव, मरम्मत या फिर मेंटेनेंस और उसका सुदृढ़ीकरण मतलब रिकंस्ट्रक्शन, स्ट्रेंथनिंग की आवश्यकता हो सकती है। स्ट्रक्चरल ऑडिट के दौरान योग्य इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स की एक टीम बिल्डिंग की नींव, दीवार, कॉलम, बीम, स्लैब या छत और अन्य स्ट्रक्चरल तत्वों का निरीक्षण करती है और उनकी स्थिति का मूल्यांकन करती है। उसके बाद में वो भवन की स्थिरता, भार वहन क्षमता मतलब लोड बेयरिंग कैपेसिटी, उसके बाद अर्थक्वेक रेजिस्टिंग, विंड रेजिस्टिंग, फ्लड रेजिस्टिंग, ये सारे बाहरी ताकतों का प्रतिरोधक करने की क्षमता, उसका भी मूल्यांकन करती है। और ये सब करने के लिए सेंसर और अलग अलग उपकरण, सॉफ्टवेयर जैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट में आमतौर पर भवन की वर्तमान स्थिति का आकलन, किसी भी आवश्यक मरम्मत या मजबूती के लिए सिफारिशें और शामिल लागतों का अनुमान शामिल होता है। रिपोर्ट में बिल्डिंग की संरचना से जुड़े किसी भी संभावित जोखिम की जानकारी भी शामिल हो सकती है, जैसे भूकंपीय घटना के दौरान संरचनात्मक विफलता या की संभावना, जैसे अर्थक्वेक रेजिस्टिंग या अर्थक्वेक फेल्योर का कुछ संभावना है तो वो भी मेंशन किया रहता है। कई देशों में कुछ प्रकार की इमारतों के लिए कानून द्वारा संरचनात्मक या फिर स्ट्रक्चरल ऑडिट की आवश्यकता होती है, जैसे कि एक निश्चित आयु या निश्चित ऊंचाई से आदि मतलब एक सर्टन बिल्डिंग का एज होने के बाद में और उसके बाद उसकी एक हाइट, लिमिटेड हाइट होने के बाद में, संपत्ति खरीदते समय या फिर बेचते समय या फिर इंश्योरेंस या फिर बीमा वित्त शोषण आवश्यकताओं के अनुपालन करने के लिए ये स्ट्रक्चरल ऑडिट का यूज़ किया जाता है और उन्हें स्ट्रक्चरल ऑडिट का रिपोर्ट दिखाना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। संपत्ति खरीदते या बेचते समय या बीमा या वित्त पोषण आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए उन्हें उचित परिश्रम प्रक्रिया के हिस्से के रूप में भी आवश्यकता हो सकता है। कुल मिलाकर के एक इमारत की सुरक्षा और इमारत की आयु सुनिश्चित करने के साथ साथ किसी भी संभावित जोखिम या मुद्दों की पहचान करने के लिए एक स्ट्रक्चरल ऑडिट आवश्यक उपकरण है और जो इसके रहने वालों को भी प्रभावित कर सकता है। किसी भवन या सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर का निरीक्षण करने के लिए उसके सामान्य कंडीशन या फिर का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली आरंभिक विशेष टेक्निक को स्ट्रक्चरल ऑडिट बोला जा सकता है। किसी इमारत का स्ट्रक्चरल ऑडिट करने से हम इमारत की खराब संरचना, अखंडता और सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर की पर्याप्त अग्नि सुरक्षा जैसे विनाशकारी परिणामों से बच सकते हैं, जैसे फायर ऑडिट वगैरह करके उससे हम बच सकते हैं। स्ट्रक्चरल ऑडिट यह सुनिश्चित करता है कि संबंधित कोड के अनुसार औद्योगिक और वाणिज्यिक भवन सुरक्षित है और स्ट्रक्चरल ऑडिटेड भवनों के निवासियों और कर्मचारियों के जीवन और स्वास्थ्य पर किसी भी खतरे को आने से रोका जा सकता है। जैसा कि एक डॉक्टर
इसी मरीज की स्वास्थ्य की स्थिति को समझने के लिए उसकी जांच करते हैं। वैसे ही ये स्ट्रक्चरल ऑडिट का टीम वो ब्रीडिंग का सेफ्टी, ब्रीडिंग का स्ट्रेंथ चेक करने के लिए उसको इंस्पेक्शन करते हैं। किसी भी भवन का स्ट्रक्चर ऑडिट करने से हमें जो रिपोर्ट मिलती है उसमें वो इमारत की समस्याओं की और उनकी स्थिति का विश्लेषण करती है, जिसमें क्रैक्स वगैरह है या लीकेजेस वगैरह है, स्ट्रक्चर कुछ प्रॉब्लम है क्या, वो सब वो ऑडिट के रिपोर्ट में आता है और उसके साथ ही उसमें उसके उचित मरम्मत का सुझाव भी दे सकते हैं ताकि इमारत अपने सेवा जीवन में बेहतर प्रदर्शन कर सके और इमारत का लाइफ बढ़ सके। रिस्ट्रक्चर ऑडिट का इम्पोर्टेंस और उसका वैल्यू फॉर लॉन्गर लाइफ मैनेजमेंट, इसके बारे में बात करेंगे। भारत में कई पुरानी इमारतें हैं जिनके समय के साथ ताकत में कम हो गई या फिर वो स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ की वजह से कम हो गई है। अगर ऐसी कम स्ट्रेंथ वाली इमारतें अगर ज़्यादा यूज में आने लगी या फिर कंटिन्यूस वैसे ही यूज करने लगी तो वहाँ रहने वालों के और आसपास के आवासों के जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। वो अगर इमारत गिरी तो कुछ जीवित और वित्तीय हानि भी हो सकती है। तो संरचना के प्रदर्शन में सुधार करने और संरचना के वांछित कार्य को बहाल करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई तक लागू की जानी चाहिए। इस प्रकार मौजूदा भवनों की संरचना तक ऑडिट या फिर स्ट्रक्चर ऑडिट करना चाहिए और समय पर रखरखाव, मरम्मत, मेंटेनेंस जो भी रिक्वायर्ड स्टेप्स है वो लिए जाने चाहिए और मेंटेनेंस का कार्य करके उस बिल्डिंग का लाइफ बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए, जिससे भवन का जीवन लंबा चलेगा और रहने वालों के लिए सुरक्षा प्राप्त होगी। स्ट्रक्चरल ऑडिट को सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को उजागर करना चाहिए और जांच करनी चाहिए और तत्काल उपचारात्मक और निवारक उपायों की सिफारिश करनी चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसमें क्या क्या रेमेडीज है, जैसे मेजर क्रैक्स है, प्लास्टर क्रैक्स है, स्ट्रक्चरल क्रैक्स है, लीकेजेस है और कुछ इश्यूज है, वो सब उसको हाईलाइट करके उसको उपाय इमीडिएट करने चाहिए। इसके बाद उस मौजूदा फ्रेम के संरचनात्मक विश्लेषण को कवर करना चाहिए और सभी प्रकार के लोडिंग तथा महत्वपूर्ण तत्वों को भी खोजना चाहिए, इसमें क्या क्या मेंशन किया है वो भी चेक करना चाहिए। लागत प्रभावी समाधान और उपयुक्त रखरखाव कार्यक्रम के साथ एक मजबूत भवन संरचना प्रदान करने में भी मदद करता है। अभी हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल ऑडिट क्यों, वाई स्ट्रक्चरल ऑडिट। हर गुजरते साल के साथ आपकी इमारत प्राकृतिक उथल पुथल की एक श्रृंखला का मुकाबला करती है जो हर मौसम की उदासीनता का सामना करती है। मुंबई में पिछले 20-30 सालों के दरमियान निर्मित कई इमारतें गंभीर संरचनात्मक संकट में है। बरसात के दिनों में लीकेज होना आम बात है। इसके साथ ही हम इमारत के ढहने की छुटपुट घटनाओं की भी खबर सुनते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कई बार वहाँ जीवित और वित्तीय हानि होती है और तभी स्ट्रक्चरल ऑडिट की इम्पोर्टेंस का पता चलता है। इमारत ढहने की छुटपुट घटनाओं की खबर भी हमें आती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप कई बार जीवित और वित्तीय हानि भी होती है। उसको अवॉइड करने के लिए सरकार ने स्ट्रक्चरल ऑडिट अनिवार्य कर दिया है। स्ट्रक्चरल ऑडिट एक इमारत का समग्र स्वास्थ्य और प्रदर्शन जांच है, जैसे इमारत की टोटल कंडीशन, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, उसका जो भी लोड बेयरिंग है वो सब डिटेल उसमें पता चलता है। जैसे एक डॉक्टर एक मरीज की जांच करता है, वैसे ही स्ट्रक्चरल ऑडिट में वो पूरा बिल्डिंग का लिखा जोखा आता है, जो भी उसका स्ट्रेंथ है, उसका वीकनेस है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। यह सुनिश्चित करता है कि बिल्डिंग और इसका परिसर सुरक्षित है और इसमें कोई जोखिम नहीं है, ये स्ट्रक्चरल ऑडिट के बारे में पता चलता है। यह अपने सेवा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए और भवनों के लिए आवश्यक उचित मरम्मत और रेट्रोफिटिंग, रिस्ट्रक्चरिंग जैसे उपायों का विश्लेषण और सुझाव देता है। जैसे बिल्डिंग अगर कुछ जगह आपको स्ट्रेंथनिंग करना है तो रेट्रोफिटिंग है, रिस्ट्रक्चरिंग है, कुछ ये नई टेक्नोलॉजी यूज़ करके बिल्डिंग को और बेहतर और ज़्यादा लाइफ वाला बना सकते हैं।
स्ट्रक्चर ऑडिट एक गवर्नमेंट वेरीफाइड या फिर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड स्ट्रक्चरल ऑडिट ऑडिटर जो भी है या फिर स्ट्रक्चरल ऑडिटर स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट है उसी के द्वारा किया जाता है। स्ट्रक्चरल ऑडिट बिल्डिंग का लोड कंडीशन चेक करने के लिए भी किया जाता है। स्ट्रक्चरल ऑडिट एक बिल्डिंग में फ्रेम स्ट्रक्चर जैसी स्ट्रक्चरल सिस्टम का मूल्यांकन करने के लिए भी किया जाता है। स्ट्रक्चरल ऑडिट बिल्डिंग में कुछ दोष है, डिफेक्ट्स है क्या और फिर डैमेज है क्या, ये चेक करने के लिए भी किया जाता है। स्ट्रक्चरल ऑडिट इमारत में किया जाता है ताकि उस इमारत की योजना और सर्वेक्षण की जांच की जा सके। एग्रेसिव एटमॉस्फेयर में वो बिल्डिंग का रखरखाव करने का आकलन करने के लिए भी स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाता है। इमारत की अग्नि सुरक्षा के मुद्दे की जांच करने के लिए फायर ऑडिट भी किया जाता है। बिल्डिंग के फायर सेफ्टी चेक करने के लिए स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाता है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग सेफ्टी चेक करने के लिए भी स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाता है। स्ट्रक्चरल ऑडिट एक इमारत में सुरक्षित कार्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए और जीवन या नियोक्ताओं के चोट को रोकने के लिए भी किया जाता है। स्ट्रक्चरल ऑडिट मेनली बिल्डिंग के संबंधित कोड आईएस कोड के अनुसार स्ट्रक्चरल आवश्यकताओं संबंधित कोड के अनुसार संरचनात्मक आवश्यकताओं को अनुपालन करने के लिए स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाता है। आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा का सटीक ज्ञान प्राप्त करके आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट को रोकने के लिए एक भवन में स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाता है। और वैसे भी कोई रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है तो उससे पहले जो पुरानी बिल्डिंग है उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाता है। अभी हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल ऑडिट की आवश्यकता। स्ट्रक्चरल ऑडिट किसी भी मौजूदा इमारत की स्थिति संकट स्तर को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण टेक्निक है। स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट में उन सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को हाईलाइट और जांच करती है जिनमें तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। नगर पालिका अधिकारियों के अनुसार यह अनिवार्य है, अभी गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी किया है। भवन संरचनाओं की संरचनात्मक लेखा परीक्षा करने और उनकी मरम्मत और बहाली के तरीके के लिए चरण दर चरण प्रक्रियाएँ मौजूद है। परीक्षण डेटा के मूल्यांकन और व्याख्या को व्यवस्थित रूप से विस्तार में समझाया गया है जो संरचनात्मक लेखा परीक्षक को उसकी संरचना में संकट के स्तर तक पहुंचने में मदद करता है। सिविल इंजीनियरिंग संरचना में होने वाले विभिन्न प्रकार के संरचनात्मक दोषों को पहचानने के लिए स्ट्रक्चरल ऑडिट की आवश्यकता होती है। चरम मौसम की स्थिति या समय की बर्बादी के कारण सामग्री के बिगड़ने के किसी भी संकेत की पहचान करने के लिए स्ट्रक्चरल ऑडिट की आवश्यकता है। अभी हम देखेंगे नीड ऑफ स्ट्रक्चरल ऑडिट। लोड के असमान वितरण के कारण संरचनात्मक संकट और सिविल इंजीनियरिंग संरचना के विरूपण के किसी भी संकेत को खोजने के लिए स्ट्रक्चरल ऑडिट की आवश्यकता है। स्ट्रक्चरल ऑडिट की आवश्यकता उन समस्याओं की पहचान करने के लिए होती है जो संरचना में सामग्री या भागों को बदलने और जोड़ने के कारण हो सकती है। यदि संशोधन करते समय स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं किया जाता है तो इसका परिणाम ओवरलोडिंग हो सकता है और अंत में इमारत अपने ही वजन के कारण ढह जाती है। अभी हम देखेंगे कि स्ट्रक्चरल ऑडिट कब करना है। स्ट्रक्चरल ऑडिट मॉडल उपनियम संख्या के अनुसार किया जाता है, जैसे बिल्डिंग का बायलॉ नंबर 77 फॉर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। किसी भी आवासीय भवन या स्ट्रक्चरल किसी भी आवासीय भवन का स्ट्रक्चरल ऑडिट अनिवार्य है यदि इस भवन की आयु 15 से 30 वर्ष के बीच में है। कोई बिल्डिंग का अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होने के बाद अगर 15 साल हो गए हैं तो उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट करना जरूरी है। यदि भवन 15 से 30 वर्ष के बीच का है तो 5 वर्ष के अंतराल में संरचनात्मक लेखा परीक्षा या स्ट्रक्चरल ऑडिट की जानी चाहिए। 15 से 30 साल का अगर बिल्डिंग का एज है तो हर 5 साल में उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट करना चाहिए।
यदि कोई भवन 30 वर्ष से अधिक पुराना है तो हर 3 साल में उसका एक बार स्ट्रक्चरल ऑडिट करना चाहिए। स्ट्रक्चरल ऑडिट कभी कभी तब भी किया जाता है जब नवनिर्मित भवन के फ्रेम स्ट्रक्चर या सतह पर दरारें दिखाई देती है। अभी हम देखेंगे पर्पज ऑफ स्ट्रक्चरल ऑडिट। स्ट्रक्चरल ऑडिट का उद्देश्य मानव जीवन और इमारतों को बचाने के लिए, भवन की स्थिति को समझने के लिए, उसके बाद तत्काल मरम्मत के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को खोजने के लिए, और उसके बाद वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करने के लिए, मरम्मत और रेट्रोफिटिंग जैसे निवारक और सुधारात्मक उपायों का सुझाव देकर भवन के जीवन चक्र को बढ़ाना या फिर बिल्डिंग का लाइफ बढ़ाना, उसके लिए भी स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाता है। अभी हम देखेंगे कि जनरल इंस्पेक्शन प्रोसेसेस। स्ट्रक्चरल ऑडिट में कौन कौन से टेस्ट या फिर कौन कौन से इंस्पेक्शन स्ट्रक्चरल ऑडिट में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहले विजुअल इंस्पेक्शन, जो आंखों जनरली एक इंस्पेक्शन करते हैं। उसके बाद में एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट या फिर NDT बोलते हैं, और डिस्ट्रक्टिव टेस्ट इसमें DT बोलते हैं। और उसके बाद है कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ टेस्ट, उसके बाद केमिकल अटैक्स, इसके बाद करोजन पोटेंशियल असेसमेंट, और उसके बाद है होमोजेनिटी एंड इंटीग्रिटी असेसमेंट, उसके बाद कोर टेस्टिंग, और उसके बाद है ओवरलोड टेस्टिंग। ये साइड में आप पिक्चर में देख रहे हैं वही उपकरण है, टेस्टिंग करने के उपकरण है, उसे टेस्ट करते हैं। जनरली जब टेस्टिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहले RCC बीम स्लैब, इसमें कोर बनाते हैं, उसका पूरा प्लास्टर का पार्ट निकालते हैं, एक कोर बनाते हैं, बाद में वो इंस्ट्रूमेंट से उसका स्ट्रेंथ का टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि स्ट्रक्चर ऑडिट क्यों करते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, और कौन सी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऑडिट करते हैं, मतलब कितना पीरियड होने के बाद करते हैं। अगर आपकी भी बिल्डिंग अगर पुरानी हो गई है तो आप भी जल्दी से अपने बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऑडिट कराइए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।